हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पेंटिंग वॉल। आज का वीडियो मैरिज कार्ड पेंटिंग है। हम कैसे स्क्रीन पेंटिंग की मदद से मैरिज कार्ड पेंटिंग करेंगे, उसका फुल डिटेल्स, फुल प्रोसेस, फुल जानकारी देने वाला हूं मेरे वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। आपके लिए ये जो वीडियो है, हम जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्क्रीन पेंटिंग का, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है ये बिजनेस सीखने का। पूरा डिटेल्स मैंने बारीकी से दिया है उसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से स्क्रीन पेंटिंग करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो सुपर कोड है और सोना कोड है, किसी एक को लेकर हम सोना कोड को लेते हैं। सोना कोड को लेकर हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। सोना कोड और सेंसिटाइजर को लेकर एक पेस्ट तैयार करने वाले हैं, जो पेस्ट को हम हमारे जो स्क्रीन का बोर्ड होता है उस बोर्ड के ऊपर लगाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रही, हम किस तरह से उस पेस्ट को किस तरह से मेकिंग करते हैं, आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। सोना कोड को लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सोना कोड का हम इतनी से मात्रा में लिए हैं, तो उसके बाद हमको सेंसिटाइजर को लेना पड़ेगा। सेंसिटाइजर को इस जो ढक्कन है, तीन ढक्कन लेना पड़ेगा उस ढक्कन से, उसके बाद हो जाएगा। तो हम उसको ढक्कन को खोलते हैं। ढक्कन खोलने के बाद हम क्या करेंगे, उस जो बड़े ढक्कन है उस ढक्कन से हम तीन ढक्कन उसी कोड के ऊपर हम मिक्सिंग करने वाले हैं। तो उसे बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, नहीं तो हमारा जो पेस्ट है वो पेस्ट ठीक से बन नहीं पाएगा और हम उसको ठीक से एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। जो स्क्रीन प्रिंटिंग का मेन पार्ट रहता है, ये पार्ट रहता है, क्योंकि ये अच्छा उसका जो कोड अच्छा बना तो उसका एक्सपोज भी बहुत अच्छा होता है। एक्सपोज बहुत अच्छा होता तो उसका प्रिंट भी बहुत अच्छा था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम उसको मिक्स करने वाले हैं, देखते हम किस तरह से मिक्स करने हैं उसको। 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे, पर ठीक से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम उसको हमारा जो बोर्ड होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग का बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हमारा जो पेस्ट था, पूरा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो हमारा जो सारा जो ये ढक्कन है, ढक्कन को अलग करके हम साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो स्क्रीन प्रिंटिंग का जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर वो पेस्ट को लगाना पड़ेगा। तो हम किस तरह से पेस्ट को अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, आप देख सकते हैं हम उसके ऊपर पेस्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से हम जो स्क्रीन का बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हम उस तरह से उसको डाल देंगे। डालने के बाद हमारे पास एक जो प्लास्टिक का कार्ड रहता है, जिसके हम कोड को अप्लाई करते हैं। और ये भी आपको जो जहाँ आपको शादी का कार्ड वगैरह मिलता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको भी ले सकते हैं। तो उसी तरह से हम उस पेस्ट को लगाने वाले हैं, देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड का चार तो लगाएंगे ताकि अच्छे से वो लग जाए। अच्छे से लगने के बाद हम उसको ड्राई करेंगे, हेयर ड्राई की मदद से ड्राई करेंगे। तो चलो हम कोड को अप्लाई करते हैं। पूरा ठीक तरह से उस कोड को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोड ज़्यादा ठीक से अप्लाई नहीं होगा तो एक्सपोज भी ठीक से नहीं आएगा। तो हमें अब देख सकते हैं हम किस तरह से पूरा बारीकी से आपको बता रहे हैं स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रोसेस देने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हम वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप लोग के लिए मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ, न्यू जानकारी लाने वाला हूँ, जो आप लोग के बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखिए हमारा जो कोड था, हम अप्लाई कर चुके हैं। कोड अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राई मशीन से, हेयर ड्राई का मशीन से हम उसको ड्राई करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हेयर ड्राई का मशीन है, तो उससे क्या होता है, इसका रिजल्ट जल्द आ जाता है। ज़्यादा ड्राई, जल्द से ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो हम उसको एक्सपोज करने वाले हैं। तो हम उस तरह से ड्राई करते हैं, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं हमारा जो बोर्ड था, स्क्रीन का बोर्ड था, पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद हम उसको एक्सपोज में ले जाएंगे और एक्सपोज करेंगे। इसको एक्सपोज मशीन कहते हैं। ये मशीन का मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूं, लेकिन इस मशीन का हम किस तरह से मेकिंग करते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दिया है। आप खुद घर में इसको किस तरह से मेकिंग कर सकते हैं, पूरा मेकिंग कर सकते हैं, उसका वीडियो है। और ये रहा हमारा जो स्क्रीन प्रिंटिंग का सेटअप रहा, इसको भी हम मेकिंग करना है। हम किस कहाँ से परचेज करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में पूरा जानकारी मैंने वीडियो में दे चुका हूँ। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। इसको DTP बोलते हैं। देखिए इसको हम पहले से HP प्रिंटर से प्रिंट कर लाए हैं, लेजर प्रिंटर से प्रिंट होता है ये, ट्रेसिंग पेपर से प्रिंट होता है, उसको DTP कहते हैं। वो ट्रेसिंग पेपर से प्रिंट होता है। हमारा जो मैटर होता है, लड़के लड़की का नाम जो होता है वगैरह वगैरह, सारा इसमें टाइप करके प्रिंट किया जाता है, आपको तो पता होगा। तो इसको हम एक्सपोज करने वाले हैं अभी। तो हम किस तरह से एक्सपोज करते हैं, चलो वीडियो में देखते हैं। उसके दोनों तरफ हम सेलोटेप से चिपका देंगे ताकि ये जो हमारा जो ट्रेसिंग पेपर है उधर उधर ना
हिल सके, और जो एक्सपोज है बहुत अच्छा आया, इसलिए हम उसको दोनों तरफ से टैब लगा देंगे, सेलो टैब लगा देंगे। सेलो टैब लगाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए वीडियो में देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम उसको एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के लिए पहले हमको जो हमारा एक्सपोज का बॉक्स बनाया है उसके ऊपर हमें इस फ्रेम को इस तरह से रखेंगे, जो आप देख सकते हैं फ्रेम को इस तरह रखेंगे। रखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर व्हाइट पेपर, जो व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर उसके ऊपर डालना पड़ता है। आप देख सकते हैं हम उसके ऊपर व्हाइट पेपर डालेंगे, ये देखिए व्हाइट पेपर डालेंगे उसके ऊपर, व्हाइट पेपर डालने वाले हम उसके ऊपर व्हाइट पेपर डालेंगे। व्हाइट पेपर डालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरह से रखने देना पड़ेगा। उसके बाद उसके ऊपर हमें व्हाइट व्हाइट का एक कपड़ा लेना पड़ेगा, इस तरह से रखना पड़ेगा। रखने के बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा बाली मिट्टी बाली हम डाल लेंगे, तो आपको मैं बताने वाला हूँ उसका उसका क्या होता है। हम इसे पूरा चारों ओर दे देंगे इस तरह से, इससे क्या होगा हमारा जो एक्सपोज का जो स्किन एक्सपोज जो होता है बहुत अच्छी तरह एक्सपोज आती है। इस तरह से ये बाली हम उसके ऊपर दे देंगे। बाली देने के बाद उसके ऊपर बाली देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा आपको बता रहा हूँ। उसके ऊपर हमें जो ईट होता है, ईट सामान ईट ईट जो है, उस ईट को इस तरह से रखेंगे, रखने वाले हैं उसके ऊपर, आप देख सकते हैं उसके ऊपर हम ईट रखेंगे इस तरह से। एक क्या हुआ कि जो हमारे जो एक्सपोज स्किन के ऊपर है सेम तरीके से पड़ता है। पड़ने के बाद हमें क्या करना है, उसको ऑन करना है। तो हम किस तरह से उसे ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं देखिए ऑन हो गया, ये ऑन करेंगे इस तरह से। हमें इसे 5 से 7 या 8 मिनट तक रखेंगे। ये आपके जो ट्यूबलाइट लगा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो एक्सपोज मशीन में कितना ट्यूबलाइट लगा है। आपने 3 या 4 ट्यूबलाइट लगाया तो 2 मिनट में हो जाता है, हमने 2 ट्यूबलाइट लगाए तो उसको 5 से 6 मिनट तक रखेंगे। 5 से 6 मिनट तक रखने के बाद हम उसको उसका जो ईड है बाली है सबको हटा देंगे। हटाने के बाद आप देखेंगे उसको हमें स्प्रे में उसको ठीक से साफ़ करना पड़ेगा, पानी में उसे लेकर साफ़ करना पड़ेगा। तो उसका रिजल्ट क्या आता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आगे देखिए। तो इसको हमें धोना है, यहाँ धोना है, इसे धोते हैं हमें इसे पानी में इस तरह से साफ करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से साफ करेंगे। साफ करने के बाद हम उसको स्किन हमारा जो टेबल में है टेबल में से फिट करेंगे। तो किस तरह से फिट करते हैं हम वो बताने वाले हैं, लेकिन पहले हम इस तरह से साफ करते हैं, पहले ठीक से चलो उसे साफ करते हैं। लगभग साफ हो चुका है लेकिन वो ठीक तरह से साफ नहीं होता है, फिर भी उसको ले जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से हाथ में उसे थोड़ा अच्छे से साफ करना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी छोटी छोटी रह जाता है हमें उसे लाइट में देखने से पता चलता है, जहाँ रह जाता है उस तरह से हमें स्प्रे से और करीब लेकर पानी से इसे स्प्रे कर करना, तो बहुत अच्छा आता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपको दिखाने वाला उसका रिजल्ट कैसा आया है आप देख सकते हैं, पूरा बिल्कुल साफ हो गया है। कि जितना अच्छा साफ होगा इतना अच्छा आपका जो पेंटिंग का क्वालिटी इतना अच्छा आएगा, इसलिए उसे बहुत अच्छी तरह साफ करना पड़ता है, आप देख सकते हैं। उसके साफ करने के बाद हम उसे और जो हेडर है हेडर से हम उसको फिर पूरा सुखा देंगे। सूखने के बाद हम उसे स्क्रीन में हमारे जो टेबल है टेबल फिट करना पड़ता है। तो ये लगभग सारा सूख चुका है, सूखने के बाद हम उसे टेबल में लगाएंगे। किस तरह से टेबल में उसे फिट करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलो हम उसे साफ, आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट देख सकते हैं, साफ हो गया है पूरा सूख चुका है। तो हम उसे टेबल में लगाने वाले हैं, तो चलो टेबल में लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्क्रीन के जो चारों तरफ होते हैं उस चारों तरफ हमें सेलो टेप जो होता है ब्राउन टेप होता है, ब्राउन टेप से हम उसे कवर कर देंगे ताकि हमारा जो कलर होता है कलर इधर उधर ना जाए, क्योंकि क्योंकि जो स्क्रीन को साइड की तरफ कलर चला जाता है तो स्क्रीन ख़राब हो जाता है और वो ठीक से साफ नहीं होता है और स्क्रीन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें उसके चारों तरफ ब्राउन टेप से कवर करना पड़ता है। तो हम किस तरह से कवर करेंगे आप देखने वाले हैं, आप देख सकते हैं हम किस तरह से कवर करेंगे उसे। इसे कवर करना बिल्कुल ही आसान है, आप इस तरह से कवर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हम किस तरह से कवर कर रहे हैं, बहुत ही ईजी है कवर करना उसे। ये बहुत सेफ होता है आपका स्क्रीन के लिए जो हम ब्राउन टैप लगा देंगे, तो क्योंकि जो कलर होता है कलर हम उसका जो स्क्रीन का साइड चला जाता है साइड में चला जाता है क्या होता है उसको ठीक से साफ नहीं होता, साफ नहीं होता तो क्या होता है स्क्रीन बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। तो हमें स्क्रीन फिर रिप्लेस करना पड़ता है। और आपको स्क्रीन किस तरह से रिप्लेस करना पड़ता है मैं उसका वीडियो भी और एक वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा हम किस तरह से रिप्लेस करते हैं उसको। हमारा जो स्क्रीन था चारों तरफ कवर हो चुका है, कवर होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, हमारा जो मशीन होता है मशीन में लगाने वाले हैं, स्क्रीन को फिट करने वाले हैं जो पेंटिंग करने के लिए। तो हम किस तरह से उसे सेट करेंगे आप देखने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो में बन रही है आपको पता चल जाएगा किस तरह सेट करेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे हमें ग्लास लगाना पड़ेगा जो ग्लास होता है, क्योंकि ग्लास होने से क्या होता है हम ग्लास लगाएं तो हमारा प्रिंट बहुत अच्छा आएगा, उसका एक जो लेबल होता है वो लेबल में प्रिंट होगा, वरना हमारा टेबल जो होता है थोड़ा
कहीं से हल्का फुल्का या कभी टेबल स्क्रैच होता तो स्क्रीन स्क्रीन का जो प्रिंट था बहुत अच्छा आता नहीं है। कांच लगाने से क्या होगा, पूरा लेबल में आ जाएगा, तो हम उसके ऊपर कार आकर प्रिंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आता है। तो आप वीडियो में बन रही आपको किस तरह से प्रिंट करेंगे आप सारे दिखाने वाले हैं। हमारा जो स्क्रीन था पूरा मशीन में फिट हो चुका है, बस बाकी रह गया तो हम उसको जो कार्ड प्रिंट करने वाले हैं उस कार्ड को हम नीचे किस तरह से मैपिंग करने वाले हैं ये बात रह गया है, तो हम उसे मैपिंग करने वाले हैं। तो ये भी बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं वीडियो में हम किस तरह से उसे मैपिंग करने हैं और उसको किस तरह से हम सेट करते हैं, पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। इसी तरह से हम कार को मैपिंग करके उसके चारों तरफ उसको साइड साइड में एक फेविकॉल से या फेविगम से हम उसको एक लोकेट यानी एक एरिया देने वाले हैं जिससे ऐसे प्रिंट होगा, हम उसको जो कार रखने वाले हैं हमें इजी होगा। इस तरह से हम उसको एक चिपका, आप देख सकते हैं वीडियो में इसी तरह फेविकॉल या फेविगम से आप चिपका के एक उसका जो एक साइज तैयार करेंगे कहाँ से आपको कार रखने से उसका प्रिंट अच्छा आएगा, इस तरह से आप उसको सेट करने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को आगे देखते हैं किस तरह से हम प्रिंट करने वाले हैं, पूरा जानकारी देने वाला हूँ वीडियो में, वीडियो में बने रहिए प्लीज़, और हमारा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले प्लीज़। इसी तरह से पूरी तरह से हमारा जो कार का एनवलप है हम उसको प्रिंट करने के लिए सेट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हम उसे किस तरह से प्रिंट करने वाले हैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। जो रेड कलर में प्रिंट करने वाले हैं, मैक्स रेड, मैक्स कलर के नाम से एक कलर आता है रेड का, मैट कलर बोलते हैं उसको, उसी कलर आप नज़दीकी मार्केट से आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, और उसे ऑनलाइन परचेज करने से ज़्यादा प्राइस लगता है, तो हम लो प्राइस में हम नज़दीकी जो मार्केट है, हम जो कार का बाज़ार है वहाँ से मिल जाता है ये, तो वहाँ से हम परचेज करने वाले हैं उसे। उसी जो मैक्स कलर था जो उसको मैट भी कलर बोलते हैं, उसे मैट कलर में हमें क्रिएशन मिक्स करना पड़ता है, तो हम किस तरह से किसी कितने परसेंट में उसको मिक्स करेंगे ये आपके प्रिंटिंग का क्वालिटी और आपका जो प्रिंट करने का जो तरीका होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आप ये करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि आप कितना मिक्स करने वाले हैं। तो चलो हम उसके ऊपर क्रिएसिन मिक्स करते हैं, क्रिएसिन का ऑयल जो उसको कार्बोहाइड्रेट ऑयल फूल भी कहते हैं, उसी को हम मिक्स करने वाले हैं। मिक्स करने के बाद हमें उसे एक या दो मिनट तक घोलना पड़ता है, अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। तो चलो हम उसे घोलते हैं, उसके बाद हमें इस तरह से स्क्रीन के ऊपर लेना है, लेने के बाद हम देखेंगे आप किस तरह से हम प्रिंट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, आप रिजल्ट देख सकते हैं किस तरह से प्रिंट हो चुका है, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है प्रिंट होने के बाद। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेफ्टी से टेबल के ऊपर या नीचे रखेंगे ताकि उसको 5 या 6 मिनट, उसको क्या थोड़ा गीला होता है तो हम उसके ऊपर छू नहीं सकते, छूने से क्या होता है उसका कलर हमारे हाथ में लग जाता है, तो हमें सेफ्टी से उसको रखना पड़ता है। तो चलो हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने से कैसे किस तरह से प्रिंट होता है आपको दिखाने वाला है। तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद देखिए इसका जो रिजल्ट कैसा आ रहा है, देखिए उसका रिजल्ट बहुत ही खराब आया, देख सकते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका रियल कैसा आया। तो आप क्या करेंगे, ऐसा रियल आया तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, आप देख लेंगे, देखिए उसका रियल कैसा आया, ऐसा रियल आया तो आपको क्या करना पड़ेगा आप देख सकते हैं, आपको एक कपड़े में जो क्रिएसिन का तेल होता है उस ऑयल को उस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा लगाना है, आप देख सकते हैं हम किस तरह से लगा रहे हैं, आप देख सकते इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, स्क्रीन का नीचे आपका जो स्क्रीन का नीचे हिस्सा है उस नीचे हिस्से को ठीक से साफ़ करना पड़ेगा। इस तरह से आप 10-15 कार्ड मारने के बाद या इस तरह से आप जब कार्ड मारेंगे तो आपको कार में जब इस तरह का रिजल्ट आएगा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसा आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट का क्वालिटी देखिए बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से आप कार्ड प्रिंट करने वाले हैं, इस तरह से आप कार्ड प्रिंट करेंगे, और कोई भी दिक्कत आया तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपका पूरा हेल्प करने वाले हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिए। तो चलो चलते हैं हम कार्ड प्रिंट करते हैं, कार्ड प्रिंट करने के बाद आप उसको किस तरह से हम उसको साफ़ करेंगे स्क्रीन को उसके बारे में बताने वाले हैं। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे पास एनवलप है सारे एनवलप को प्रिंट कर देंगे, और इस तरह से कार्ड भी प्रिंट करेंगे। तो कार्ड प्रिंट करने का वीडियो मैंने बनाया नहीं, सिर्फ एनवलप प्रिंट करना वीडियो बनाया है। इस तरह से आप कार्ड को भी मेकिंग कर प्रिंट कर सकते हैं, उसको एक्सपोज करके इस तरह से साफ करके मेकिंग प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट होने के बाद हम उसकी स्क्रीन को किस तरह साफ़ करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आप स्क्रीन को ठीक से साफ़ नहीं करेंगे तो आपका स्क्रीन क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। और जो स्क्रीन का प्राइस होता है ये जो हमने लिया है 12-18 का जो फ्रेम लिया है, ये फ्रेम आपको 450-450 रुपया पड़ता है, तो आपको हर रोज़ ऐसा करना पड़ेगा। तो हम इसको किस तरह से फिर नया स्क्रीन करवा देंगे उसके बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ वीडियो में, बन रही है। और इसी तरह से हमारा जितना भी अनब्लॉक था, प्रिंट करना था, सारे अनब्लॉक हम प्रिंट कर चुके हैं। प्रिंट करने के बाद हम स्क्रीन को साफ़ करने वाले हैं, तो चलो स्क्रीन को साफ़ करते हैं, किस तरह साफ़ करने वाले हैं उसका पूरा जानकारी देने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो में बन रही है। तो उसी तरह से हम ये स्क्यूजी होता है, स्क्यूजी को साफ़ करने वाले हैं, वो स्क्यूजी को साफ़ करने के बाद हमें स्क्रीन को साफ़ करना पड़ता है। तो चलो वीडियो में बन रही है, आप किस तरह से साफ़ करेंगे उसका जानकारी देने वाला हूँ। उसी तरह से हमारा जो स्क्यूजी था पूरा साफ़ हो चुका है,
तो साफ़ करने के बाद हम स्क्रीन को साफ़ करेंगे। और एक बात हम जानकारी आपको देने वाला हूँ, हमारे जो यहाँ साफ़ करने के लिए जो छोटा छोटा कपड़े लगते हैं आप देख रहे हैं, हम जो साफ़ कर रहे हैं ये कपड़े आपको टेलर की दुकान से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई पेमेंट भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उनका जो होता है डस्टबिन में फेंकने वाली चीज़ होता है, तो हम उसको लेकर आकर आपको एक काम में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्किन के ऊपर भी उसे कपड़े से वो उस क्रोसिन को लेकर साफ़ करने वाले हैं। आप देख सकते कैसे साफ़ कर रहे हैं, उसे साफ़ करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा मेहनत लगता है। और अभी आप मेहनत करेंगे तो आपका जो स्किन है बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा, बहुत दिन तक रह पाएगा, उसका जो लास्टिंग है बहुत अच्छा जाता है। और आपको ठीक से साफ़ नहीं करेंगे उसका जो प्रिंटिंग है क्वालिटी भी अच्छा नहीं आता, आप जो एक्सपोज करेंगे एक्सपोज भी ठीक से नहीं आता और स्क्रीन बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। तो चलो हम स्क्रीन को साफ़ करते हैं, किस तरह साफ़ करेंगे आप देखने वाले हैं। तो चलो हम इस तरह से किरोसिन की ऑयल से और कपड़े की मदद से हम स्क्रीन को पूरा साफ़ करने वाले हैं। साफ़ करने के बाद हम उसको वाटर में जाकर धुलने वाले हैं। तो हमें जो वाटर में जाकर उसको धुलेंगे तो उसके लिए हमको रिम साबुन सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो कपड़े हम धुलते हैं रिम साबुन बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने जब उसे धोया था तो मेरे पास रिम का साबुन नहीं था, तो मैंने जस्ट मेरे नहाने वाला साबुन मैंने यूज़ किया था, उसमें भी अच्छा आता है मगर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो रिम का साबुन जो होता है आप उसी से धोलेंगे तो बहुत अच्छा आता है उसका रिजल्ट। तो चलो हम इस तरह से हमारा जो स्किन है स्किन को हम साफ़ करते हैं। तो इसी तरह से हम स्किन को किरोसिन और कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद हम उसको बाथरूम में ले जाएंगे पूरा वाटर में धोलने के लिए। तो चलो उसको बाथरूम में लेते हैं वाटर में धोलने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये डिकोटिन का पाउडर है, डिकोटिन के पाउडर से हम उसको पूरा साफ़ करेंगे। जो हमारे जो हम जो लिक्विड पेस्ट करते हैं वो सेंसिडायर का और जो हमारा सोनाकोट का जो हमने लिक्विड मेकिंग जो मिक्स बनाया था हम उसको लेप लगाया था, तो उसको जाने के लिए हम डिकोटिन का पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको पहले बोल चुका था मेरे पास रिम का साबुन नहीं था, तो मैंने नहाने वाले शॉप से साफ किया है। रिम का साबुन होता तो बहुत अच्छा होता है, उसका रियल आता है और बहुत जल्द से धुल जाता है। तो फिर भी ये साबुन भी बहुत अच्छा रियल आया है, तो आप यूज़ करेंगे तो मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि आप रिंग का साबुन यूज़ कीजिए स्किन को धोने के लिए, बहुत अच्छी तरह से धोइए। आप देख सकते हैं हम किस तरह से उसको धो रहे हैं। तो धोने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पानी से धोएंगे, पानी के धोने के बाद हमें डिकोटिन पाउडर से उसको धोना पड़ता है। चलो वीडियो में बन रही है आपको किस तरह से हम उसको पूरा साफ़ करेंगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं हम उसके ऊपर डिकोटिंग का पाउडर यूज़ करने वाले हैं। आप देखते हैं ये डिकोटिंग का पाउडर देते ही एक मिनट आप उसको थोड़ा रख देंगे तो उसके बाद ये व्हाइट होता हो जाएगा। तो हम उसको देखिए इस तरह से डिकोटिंग का पाउडर देने वाले हैं, देख सकते हैं डिकोटिंग पाउडर देने के बाद हम चार वोट उसको देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक या दो मिनट रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। तो आप वीडियो में बनिए आप देखिए किस तरह से होता है व्हाइट, इस तरह से व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट होने के बाद हम उसको और एक दो बार तीन बार ठीक से पानी से वाटर से धो लेंगे, धोने के बाद ये हो जाएगा इसके। तो आप वीडियो में बन रहे और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब या शेयर जरूर कर देना। मैंने बहुत मेहनत किया है आप लोगों के लिए और आपको वीडियो में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको पूरा हेल्प करने वाला हूँ और पूरा डिटेल्स आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। ये देखिए किस तरह से हमारा जो स्क्रीन था पूरा व्हाइट हो गया है, प्रोवाइड हो गया और जो भी ये थोड़ा दिख रहा है ग्रीन ग्रीन टाइप का दिख रहा है, और एक बार डिकोटिन पाउडर देकर इस तरह से हम उसको हाथों में रगड़ देंगे तो ये चला चला जाएगा और पूरा साफ़ हो जाएगा। आप देखिए स्किन पूरा वाइट हो चुका है। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।